कुछ यहाँ उनके पुराने साथी बैठे हैं, उनको मालूम है, वे भी उस समय मौजूद थे। पटना की वो कूच जबकि शासकों ने जयप्रकाश जी को मौत के घाट उतारने वाला हमला बोल दिया। और अगर नानाजी देशमुख ना होते और वो वार नानाजी अपने शरीर पर न झेलते तो शायद जयप्रकाश जी नहीं बच पाते। और नानाजी का वो उस प्रकार की उनकी उनका कौशल्य, सामर्थ्य, साहस, समर्पण, सारे वार झेल दिए, नानाजी को अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन सिर्फ जयप्रकाश जी के जीवन को बचाने के लिए नानाजी ने अपने आप को झोंक दिया, इतना ही नहीं, राजनीतिक जीवन के सर्वोच्च काल में उन्होंने जयप्रकाश जी के विचारों को चरितार्थ करने के लिए राजनीति का मार्ग छोड़ा और गोंडा में जाकर के जयप्रभा नगर बनाया, जयप्रकाश नारायण और उनकी पत्नी प्रभा देवी के नाम से, और जयप्रभा नगर बना करके ग्रामोत्थान में अपना जीवन खपा दिया उन्होंने। बादल साहब जो कह रहे थे आज वो सही बात है कि गांधी जी, जयप्रकाश जी ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं तो हिंदुस्तान का गांव तुरंत जुड़ जाता है। नानाजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति के विचार को वहां पर काम में लाया। अगर हम अब्दुल कलाम साहब को, जबकि 15 अक्टूबर को उनका जन्म जयंती आ रही है, अब्दुल कलाम साहब व्यक्तिगत रूप से किसी के सबसे ज्यादा तारीफ में कुछ ना कुछ लिखा है, बोला है, तो नानाजी देशमुख के लिए बोला। और जयप्रकाश के विचारों को लेकर के नाना जी ने किस प्रकार से काम को किया, यहां जितने वरिष्ठ लोग हैं, अगर उस आपातकाल के दिनों को याद करूं तो मैं बहुत ही एक छोटा सा कार्यकर्ता इन सभी वरिष्ठों की उंगली पकड़कर चलने का मुझे सौभाग्य मिला। आपातकाल ने नुकसान बहुत किया, पूरे विश्व में हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक परंपरा को एक गहरा धक्का लगा दिया, लेकिन कभी कभी अकस्मातों में से भी अच्छाइयां जन्म लेती है। जेपी आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन, भ्रष्टाचार खिलाफ का जंग, इमरजेंसी के खिलाफ का जंग, आजादी के 25 साल के बाद एक ऐसा अवसर बन गया जिसने हिंदुस्तान के कोने कोने में एक नई राजनीतिक ब्रीड को जन्म दिया। आज हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में जो लोग दिखते हैं उसमें से अधिकतम वो लोग हैं जिनको उस आपातकाल के संघर्ष की कोख में से पैदा होने का अवसर मिला था, यानी बुरे हेतु से पैदा हुआ था। विचार को समाप्त करने के लिए इमरजेंसी आई थी, व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए आई थी, लेकिन उस विचार में ताकत इतनी थी कि इतनी बड़ी जंजीरों के बीच भी, इतने जुल्म के बीच भी एक पूरी नई राजनीतिक जनरेशन पैदा हुई देश में। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वो राजनीतिक